हाँ तो गाइज मैं आपके सामने लाया हूँ कि ग्राइंडर में कौन कौन से ब्लेडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन ब्लेडों का मैं इस्तेमाल करता हूँ या जिनके बारे में मैं जानता हूँ उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम अपने ही काम जो मैं काम करता हूँ उसी का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का ब्लेड हुआ करता है, इसमें थोड़ा सा कार्बाइड लगा होता है ऊपर और ये लकड़ी के काटने के काम आ सकता है। वो हम ग्राइंडर ब्लेड में इस तरह से बांध कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ही रिस्क है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होने पर ही इसका इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल ना करें और खाली इसका इस्तेमाल कटर मशीन में ही करें। ये बहुत तेज़ झटका मारता है इस ग्राइंडर के अंदर, और हम भी यदि बाय द वे कभी इस तरह का केस पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे होती है जहाँ हमारी लकड़ी नहीं कटती, वहाँ पर हम इसको बांध कर काट लेते हैं। वैसे हम इससे दूर ही रहते हैं, ग्राइंडर में इस तरह का ब्लेड नहीं बांधते क्योंकि ये झटका मारता है, बहुत तेज़ी से फंसता है। तो दूसरा नंबर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा इस्तेमाल होता है रेगमाल वाला। ये एक तरह इस तरह का होता है और इसको इस तरह से बांध कर और खाली हमारे को घुमाना होता है। ये बस ये हमारा टाइट हो गया और हम रेगमाल मारने के लिए ये पत्ते होते हैं इसके ऊपर इसको निकाल देते हैं और फिर ये ख़राब हो जाता है, इसको बदल देते हैं। तो इसका हमारा किसी भी वुड को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा। और उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद आता है पत्थर काटने वाले ब्लेड का। इसका भी इस्तेमाल हमारे को कई बार करना पड़ जाता है, कई बार टाइलें वाइलें दिक्कत कर जाती हैं या कुछ हो जाता है, तो इसमें भी कई तरह के ब्लेड आते हैं। ये एक मोटा वाला ब्लेड आता है, ये पत्थर काटने के लिए स्पेशल होता है। और एक इसी में थोड़ा बारीक वाला आता है, ये वाला ब्लेड टाइलें काटने के लिए आता है। ये इसमें कुछ ज़्यादा निशान नहीं पड़ते, ये बहुत बारीकी से टाइलें काटता है। और इसी में 4 इंची में एक छोटा ब्लेड भी आता है, ये भी पत्थर काटने के लिए काम आता है। इसमें महंगे ब्लेड आते हैं तो अच्छा काम करते हैं और अच्छे सख्त चीज़ को ग्रेनाइट वगैरह को काट सकते हैं, और सस्ते आते हैं तो नरम नरम पत्थरों को ही काट सकते हैं। और हमारे लिए ये भी काम आता है, इस तरह के ब्लेड होते हैं ये लोहा काटने के। हमारे को कहीं पर लोहा काटना पड़ जाता है तो ये कब्जे काटने पड़ते हैं, तो ये लोहे वाले ये जो लोहे काटने वाले ब्लेड हैं ये कई कलर के आते हैं, लाल कलर का भी आता है, हरे का भी आता है, काले का भी आता है, तो ये सब लोहा काटने के लिए काम आते हैं हमारे। और उसके बाद जिसके बारे में मैं जानता हूँ, ये एक रेगमाल वाला ब्लेड है, इसके ऊपर रेगमाल से चिपके होते हैं। ये वेल्डिंग वगैरह कहीं पे लगी होती है तो उसको साफ़ करने का और साफ़ और फिनिशिंग लेने के काम आते हैं। और एक ये वाला ब्लेड है हमारे पास, ये जो है खाली फिनिशिंग के लिए, पॉलिशिंग, स्टील की पॉलिशिंग के लिए काम आता है जो कि मैं जानता हूँ। और एक इस तरह का ब्लेड आता है, ये हमारा कहीं पेंट वेंट लगा होता है या फिर कहीं जंग वंग लगा होता है या मसाला लगा होता है चौखटों में, तो ये ब्रश से बने होते हैं, इसके अंदर ब्रश बने होते हैं। और इस ये ब्रश जो है उसको किसी जंग लगे स्थान को या फिर रफ स्थान को साफ़ कर देते हैं तो अच्छे से पेंट हो जाता है। ये इस तरह के काम आता है। और हाँ, इसमें एक ग्राइंडर में एक पत्थर में सुराख करने वाले और आते हैं, इसी की तरह होते हैं, इसी तरह से टाइट करने होते हैं वे। और जो कि स्टील की रेलिंग वगैरह लगाते हैं, 6 mm, 12 mm और 0.5 इंची, 1 इंची, 2 इंची, इतने बड़े बड़े ऐसे करके सुराख करने वाले भी इस तरह के आते हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। तो जैसी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया, और इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ और मेरे कार्य को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे को कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।